मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम ट्रिक नंबर 1 से अपना चैनल चालू करते हैं। ये भी चैनल मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए, जिनको याद करने में, जिनको रटने में काफी ज्यादा दिक्कत होती है, उनके लिए मैंने ट्रिक्स बनाई है ताकि वो चीजों को पढ़ें और लंबे टाइम तक याद कर सकें। तो ये मेरी पहली ट्रिक है जिसके अंदर मैं बताऊंगा आपको इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स एंड देयर डिस्कवरी। केमिस्ट्री के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स हैं, जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इन सबकी डिस्कवरी किन किन लोगों ने करी है, तो इसमें काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है कभी कभी बच्चों को कि इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर करा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उनको याद नहीं रहता। तो ये छोटी सी ट्रिक से आप ये सारी चीजें याद करेंगे। तो बढ़ते हैं अपनी ट्रिक के पहले अपनी ट्रिक के पास। तो इसमें अंदर ये जो ट्रिक है, इसका जो हमारा सेंटेंस है, ये है आधी ईंट पर पागल नाचे। हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर मैंने लिख लिया है, आधी ईंट पर पागल नाचे। अब इसके अंदर ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एटम। ए का मतलब क्या है? ए का मतलब है एटम, जल्दी से लिख लेते हैं, एटम। ठीक है, डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है हमारा डाल्टन। डी का मतलब है डाल्टन, 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 डाल्टन। और ई का मतलब है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन। और टी का मतलब है थॉमसन। टी का मतलब है थॉमसन, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, थॉमसन। अब पी का मतलब है पॉजिटिव सेंटर। देखो यहाँ पे याद करना पड़ेगा पॉजिटिव, क्योंकि आर है तो पॉजिटिव सेंटर। अब पॉजिटिव सेंटर क्या है? पॉजिटिव सेंटर मतलब न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने पॉजिटिव सेंटर एटम के अंदर जो होता है उसको बोला था न्यूक्लियस। तो पॉजिटिव सेंटर यानी के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। पॉजिटिव सेंटर यानी के न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। पॉजिटिव सेंटर, देखो पी आर, इधर पी है, इधर भी पी है, लेकिन पी आर है इधर, तो इधर पॉजिटिव सेंटर याद करना है आपको, पॉजिटिव सेंटर यानी रदरफोर्ड। ठीक है, फिर दूसरा जो पी है वो हमारा, वो पी का मतलब है प्रोटॉन। पी का मतलब है प्रोटॉन, पी का मतलब है प्रोटॉन, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। हाँ, गोल्डस्टीन, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन। पहले रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करा, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, उससे न्यूक्लियस ढूंढा, और गोल्डस्टीन ने उस न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन, वो ढूंढे। तो प्रोटॉन डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन एंड पॉजिटिव सेंटर इज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। एन का मतलब है न्यूट्रॉन, एन का मतलब है न्यूट्रॉन। और सी का मतलब है चैडविक, सी का मतलब है चैडविक। न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चैडविक, 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 न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय चैडविक। तो ये जल्दी से झटपट से एक हम ट्रिक वापस कर लेते हैं, आधी ईंट पर पागल नाचे। ए डी ई टी, आधी मतलब ए डी, ई टी मतलब ईंट, पी आर मतलब पर, पी जी मतलब पागल, नाचे मतलब एन सी। ए का मतलब एटम डिस्कवर्ड बाय, डी का मतलब डाल्टन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन डिस्कवर्ड बाय, टी का मतलब थॉमसन, पी का मतलब पॉजिटिव सेंटर यानी के न्यूक्लियस, आर का मतलब रदरफोर्ड, पी का मतलब प्रोटॉन, और जी का मतलब गोल्डस्टीन, एन का मतलब न्यूट्रॉन, और सी का मतलब चैडविक। आधी ईंट पर पागल नाचे। थैंक यू।